वाली स्वेटर की हॉल में आपका स्वागत है। देखो स्वेटर्स आर द मोस्ट इग्नोरिंग प्रोडक्ट इन विंटर। सबसे पहले हम देखने वाले एक बहुत खूबसूरत सा भाई पुलोवर। हाँ राइट, इस वीडियो में जहाँ पर भी मैंने पुलोवर बोला है, एक्चुअली वो कार्डिगन है, गलती हो गया, माफ कर दो, सॉरी। जिन लोगों को नहीं पता भाई पुलोवर क्या होता है, टिंग 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 टिंग, ये होता है पुलोवर। और भाई बहुत बवाल लगता है। एस्कॉर्ट ब्रांड का नाम है जो कि वेबसाइट के अंदर का है। एक बहुत खूबसूरत नेवी ब्लू कलर का वूल का बना हुआ पुलोवर है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े बटन देखने को मिल जाएंगे जो कि पुलोवर का एक लुक होता है। एक्चुअल जो बटन है ना वो पूरे वुडन के हैं। नीचे में वो आपको लास्टिक जैसी डिजाइनिंग कफ्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। अंदर में आपको एस्कॉर्ट की ब्रांडिंग मिल जाएगी, 100% कॉटन यहाँ पर लिखा हुआ। पुलोवर के जितने भी कॉलर्स होते हैं ना वो थोड़े से वाइड वी शेप टाइप होते हैं, अलग अलग उसमें डिजाइनिंग्स होती है, लेकिन वो वाइड इसलिए होते हैं ना ताकि अंदर का आपका शर्ट या टी शर्ट निकल कर आए। ओवरऑल बहुत ज्यादा सिंपल है, सॉलिड है, एंड डेफिनेटली अगर आपको एक प्रीमियम लुक चाहिए ना इस पुलोवर के लिए आराम से जा सकते हो। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये रियल वूल से बना हुआ है। हाँ भाई क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी और हेवी है। ऑलराइट, पहला वाला स्वेटशर्ट आ गया हमारे पास में, फटाफट से निकालते हैं। और ब्रांड का नाम है भाई रोडस्टर। देखो जितने भी आप प्रोडक्ट देखोगे ना वो सारे देखो अच्छे ब्रांड से तो आते हैं, लेकिन प्राइसिंग को भी ना हमने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है ताकि आप सब खरीद सको। रोडस्टर का आपको टैग मिल जाएगा, प्राइसिंग आप लिखी हुई 1299 रुपए, लेकिन आपको बहुत तगड़ा प्राइस मिलने वाला है। पूरा जो स्वेटशर्ट है ना वूल से बना हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा ना हैवी नहीं है। शर्ट के ऊपर में ओवरले करने के लिए स्पेशली से बनाया गया है। पूरा व्हाइट कलर का है, लेकिन इसमें दूसरा कलर आपको देखने को मिलेगा नेवी ब्लू, जो कि इसके नेक लाइन पे है, कफ्स पे है और बॉटम में आपको देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको रोडस्टर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एंड ओवरऑल भाई बहुत ज्यादा खूबसूरत सिंपल सा लुक लेकर आता है और वो ओल्ड मनी वाला लुक आपको क्रिएट करके देगा। वापस याद दिला दूं, खरीदने से पहले ये बहुत ज्यादा लाइट मटेरियल है, हल्का सा मटेरियल है, तो इससे एकदम कड़कती ठंड में कड़कता चाय नहीं बनने वाले आप, लेकिन स्टाइल के मामले में एकदम ब्लैक कॉफी लगोगे। ऑलराइट, नेक्स्ट स्वेटशर्ट आ गया हमारे पास में, ब्रांड का नाम है भाई रॉन्ग। यहाँ पर रॉन्ग का टैग मिल जाएगा, प्राइसिंग यहाँ पर लिखी हुई है 2099 रुपए। तो प्राइसिंग तो आपको बेस्ट मिलने वाली है, लेकिन जो क्वालिटी है ना ओवरऑल सारे प्रोडक्ट की मैं अच्छी कहूंगा। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाई एनी ब्रांड। उसके अगर इसके नेक की बात करें, राउंड नेक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, लेकिन साइड साइड में ना निटिंग के थ्रू अलग सा डिजाइन क्रिएट किया गया, और ठीक उसके नीचे आपको एक ना वी शेप टाइप का भी ना अलग सा निटिंग देखने को मिलेगा, खूबसूरत लग रहा है। और वही सेम डिजाइनिंग आपको इसके शोल्डर्स में भी देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। नीचे में आपको हेम मिल जाएगा, हैंड में आपको कफ मिल जाएगा, सारी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। नीचे आपको एक छोटू सा ब्रांडिंग वाला पैच भी देखने को मिलता है। रॉन्ग का अंदर आपको टैग मिल जाएगा, नीचे लगा वो विंटर एडिशन फुल स्लीव मिलता है। ओवरऑल देखोगे जिसमें कोई भी आपको डिजाइनिंग नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन इसके लेफ्ट वाले स्लीव के एंड में निटिंग के थ्रू पूरी राउंड यहाँ पर आपको रॉन्ग की ब्रांडिंग मिलेगी। और इतनी छोटी सी ही डिटेलिंग ना इस पूरे स्वेटशर्ट में बवाल मचाती है। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो, विंटर में नेवी ब्लू कलर भाई किलर लगता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक और खूबसूरत सा पुलोवर। जस्ट लुक एट दिस, ये मेरा भाई पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है। मेनली इसका जो बेस कलर है वो ब्लैक कलर है, और उसके ऊपर व्हाइट कलर के ना आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। पूरा निटिंग का काम है, और उन फ्लावर्स के साइड साइड में आपको काइंड ऑफ लाइटेस्ट लाइलैक कलर के ना आपको थोड़ी थोड़ी ना आउटलाइनिंग देखने को मिलेगी। बड़े बड़े से आपको बटन देखने को मिल जाएंगे ब्लैक कलर के अंदर में, आपको नॉन की ब्रांडिंग मिलती है, ओवर साइज यहाँ पर लिखा हुआ है। और बैक की तरफ भी आपको ना वही सेम डिजाइनिंग देखने को मिलती है। सीधी वर्ड में कहूँ इसकी जो वूल की क्वालिटी या ओवरऑल स्ट्रक्चर या एक डिजाइनिंग ना भाई किलर रिच लगती है। जनरली आप रोड में ऐसे छुट्टा नाचोगे ना, जब मतलब घूमोगे तब आपको ना हुडी स्वेटशर्ट ऐसे पहने हुए जैकेट पहने हुए लोग ना बहुत दिखेंगे, लेकिन एक प्रॉपरली फैशन के सेंस में ड्रेस्ड अप होकर ना मेन बहुत कम दिखते हैं, और ये ना भाई उस लुक को क्रिएट करके देगा आपको। देखो ऐसे में मैं भी नहीं फिट होता क्योंकि आप उन मचाने वाले हैं, लेकिन हाँ जब भी क्लासी और सेक्सी मैन दिखना है ना विंटर के लिए भाई ये किलर फैशन प्रोडक्ट है। ऑलराइट, नेक्स्ट स्वेटर आ गया हमारे पास में, फटाफट से निकालते हैं। ब्रांड का नाम है बेवकूफ, और छूते भाई क्या मटेरियल सॉफ्ट सॉफ्ट फील हो रहा है। अंदर भी इसकी प्राइसिंग ये लिखी हुई है 2499 में, डोंट वरी आपको पे नहीं करना है। एक बहुत खूबसूरत ब्लैक कलर का स्वेटर है, थोड़ी सी इसमें डिफरेंट टाइप की डिजाइनिंग। यहाँ पर अगर आप इसका नेक देखोगे ना, जैसे हाई नेक्स होते हैं थोड़ा सा नेक का साइज छोटा होता है, वैसा यहाँ पर बना है। और व्हाइट कलर का ना एक स्ट्रिप भी है, सारा निटिंग का वर्क है। बीच में आपको आइकन लिखा हुआ मिल जाएगा, अगेन निटिंग वर्क, और नीचे में भी आपको वही सेम डिजाइनिंग मिलती है। कफ्स की और हेम्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। बैक की तरफ से पूरा प्लेन है, और ऐसे खूबसूरत खूबसूरत स्वेटर्स ना जनरली आप खरीदना चाहोगे नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा नहीं कि भाई पहन के मैं कैसा लगूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई बवाल लगने वाले हो, 100% एक्रेलिक से बना हुआ है और भाई जबरदस्त है। पहन के मैं कैसा लग रहा हूं ये सारी चीज आप पीछे देख लो, एंड डेफिनेटली जानना चाहो हंस के जा सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है भाई उसको देखकर आपका एकदम जी ललच जाने वाला है।
ऐसा लग रहा पहाड़ में सियार रो रहा हूँ। ऑलराइट, यहाँ पर H&M आपको टैग मिलता है जहाँ पर आपको H&M कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। प्राइसिंग आप लिखी हुई 1499, कितना पे करना वो सारी चीजें बाद में देख लेंगे, आप जाके लिंक में देख लेना। एक बहुत खूबसूरत बेज कलर का हाई नेक स्वेटर है, यहाँ पर आपको हाई नेक देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली पूरा निटेड का काम किया गया है। नीचे आपको ये मिलता है, हैंड में कफिंग मिलती है, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी। आई थिंक ये भी 100% कॉटन से बना हुआ है, यानी आपको इसमें रियल वूल मिलता है। बाकी देखो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, तामझाम आगे पीछे से प्लेन है। ये इतना पतला सॉफ्ट है ना, आप इसको पहनो ऊपर में कोई ब्लेजर पहनोगे ना भाई, बवाल लगने वाला है। आप मुझे कमेंट में बता रहे कि कितने लोग ब्लेजर के सूट्स की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि भाई आ रहा शादी का सीजन और हम आपके लिए बवाल चीजें करने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट स्वेटर आ गया हमारे पास में, फटाफट से निकालते हैं। इन लोगों को हुडी या स्वेटशर्ट या वर्सिटी जैकेट्स की तड़प है, ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है। वाओ, ऑलराइट, ये भी रोस्टर की तरफ से आता है। इसकी प्राइसिंग है 2199 रुपए। यहाँ पर आपको मेजरली दो कलर देखने को मिलेंगे, काइंड ऑफ स्काई ब्लू जैसा कलर है, लेकिन बहुत ज्यादा सॉफ्ट टेक्सचर है इसका, और ऊपर में आपको क्रीम कलर देखने को मिलता है। चूंकि निटिंग है, यहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग डिजाइन देखने को मिल जाएंगे। मुझे मम्मी के हाथों का स्वेटर याद आ गया, जो कि मुझे बचपन में जबरदस्ती पहनना पड़ता था। नेक में आपको कट देखने को मिलता है, जैसे पोलो शर्ट्स में होता है, तीन बटन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हर बटन पे आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, और उसके ऊपर में आपको हल्का सा मिड हाई नेक टाइप का देखने को मिलता है, खूबसूरत लग रहा है। नीचे की तरफ आपको रोस्टर का पैच देखने को मिल जाएगा। वूल की क्वालिटी अच्छी, कहीं से भी आपको गड़ेगी चुभेगी नहीं। 100% आई थिंक एक्रेलिक यूज, यस 100% एक्रेलिक यूज हुआ है इसमें। एंड आपको कफ्स देखने को मिल जाएंगे, सॉफ्ट है, अच्छा है। एंड ओवरऑल बैक से भी भाई देख लो कैसा है कैसा नहीं, पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीज आप पीछे देख लो। देखो लोग ज्यादा हुडीज खरीदते हैं, स्वेटशर्ट्स खरीदते हैं, लेकिन स्वेटर्स का ना भाई अपना एक ऑरा होता है, एक अपना लुक होता है, जिसको कोई भी और विंटर प्रोडक्ट्स ना बीट ही नहीं कर पाएगा, अगर हम रियल फैशन की बात करें तो। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोडक्ट आ गया हमारे पास में, ब्रांड का नाम है भाई जैक एंड जॉन्स, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है ना आपका बवाल मचा देगी। मेरी हरकतों को आप देखते हो, उसके बाद जब कमेंट करते हो ना, उस कमेंट को पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है। आ जाओ हक कर लेता हूँ। इसका एक फीचर आपका दिमाग हिला देगा। जैक एंड जॉन्स का टैग मुझे प्राइसिंग यहाँ पे लिखी हुई है 4499, इतना आपको पे नहीं करना, डोंट वरी। ब्लैक कलर का पूरा स्वेटशर्ट ही बोल लेते हैं, चलो ब्लैक कलर का पूरा स्वेटशर्ट है। फुल स्लीव्स आपको देखने को मिल जाएंगे, हैंड में आपको कफ देखने को मिल जाएगा, बहुत छोटी सी ट्रेंडी साइजिंग है। नीचे भी आपको वही सेम साइज की कफिंग देखने को मिल जाएगी। लेफ्ट चेस्ट पे आपको यहाँ पर कोर लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि जैक एंड जॉन्स की सीरीज का नाम है, और नीचे जैक एंड जॉन्स लिखा हुआ मिल जाएगा। पूरा रबर प्रिंट है, इम्बोज्ड है। बैक की तरफ आपको कोई प्रिंटिंग नहीं मिलती, बहुत सिंपल सी डिजाइनिंग है। लेकिन इसके लेफ्ट स्लीव के एंड में देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टिव मटेरियल की कोटिंग मिलेगी, जहाँ पर लैब और कुछ कुछ लिखा हुआ है। भाई ये छोटी सी चीज है, लेकिन जब पहन के रात में निकलोगे ना, हल्का सा इसका झलक ना भाई, पूरा झलक दिखलाजा कर देगा। लेकिन इसका जो एक्चुअल फीचर है वो है भाई इसके नेक में, प्रॉपर आपको हाई नेक देखने को मिलता है। फ्रंट में देखोगे तो ये जो आप ग्रे वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये हाई नेक को इस तरह से डिजाइन किया गया है ना कि आप पूरा ऊपर चढ़ा करना अपने नाक को, अपने फेस को पूरा प्रॉपर कवर कर सकते हो। और इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन का भी काम किया गया है, टाइट करने के लिए पीछे जुगाड़ दिया गया इलास्टिक वाला, और उसके बैक में भी ना आपको वो लास्टिकी टाइप का ना फैब्रिक देखने को मिलता है। ओवरऑल भाई तगड़ा फीचर है, क्योंकि ठंड में हमेशा ना हमारे नाक वाक जमने सूखने लगते हैं, और उस जगह पर बंदर टोपी पहन के छुछुंदर वाली हरकत करना इज नॉट द गुड थिंग। बाकी अगर इसके ओवरऑल फैब्रिक की बात करें, मोर लाइक ना निटेड फैब्रिक ही फील होता है, जैसे स्वेटर्स होते हैं, लेकिन इसमें वूल नहीं यूज हुआ है। यहाँ पर आपको मिलता है 70% कॉटन एंड 30% नायलॉन का काम। आगे पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीज आप पीछे देख लो। ये बहुत ज्यादा फैशन की तरफ में नहीं है, लेकिन मोर लाइक अ प्रैक्टिकल प्रोडक्ट है, जो कि तगड़ा है। ऑलराइट, नेक्स्ट द लास्ट स्वेटर आ गया हमारे पास, फटाफट से निकालते हैं। और अगर इस स्वेटर की बात करें भाई, स्टार्टिंग से एंड तक कहीं भी आपको वो कमी, वो मिसिंग फील नहीं होगा कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा। सारे सॉलिड, सारे मिनिमल है, सारे बहुत ज्यादा ट्रेंडी है। मिली इसमें आपको दो कलर देखने को मिलता है, मेरे लिए सॉर्ट ऑफ ना ये ब्राउन साइड में ही है। दूसरा कलर इसमें आपको नेवी ब्लू देखने को मिलेगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कहीं मोटे कहीं पतले। राउंड नेक पर आपको देखने को मिलता है, लेकिन राउंड नेक में भी ना आपको वो ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, जो कि निटिंग से शुरू की गई है, रोस्टर लाइफ को लिखा हुआ है। बहुत ज्यादा भाई खूबसूरत लुक आता है इस पे। और दोनों ये जो कलर्स है ना, वो एक्चुअल में बवाल ढा रहे हैं। नीचे आपको रोडस्टर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एम्स के कफ्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। देखो आज के वक्त में जितने भी आप स्वेटर्स खरीदोगे ना, वो आपको बहुत ज्यादा मोटा, हैवी, बोरा बोरा चिंपैंजी जैसा आपको फील नहीं करवाएगा। स्वेटर्स आज के समय में ना ज्यादा स्टाइलिश प्रोडक्ट हो गए हैं। बाकी ओवरऑल क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। बैक से कैसा है, फ्रंट से कैसा है, ये सारी चीजें आपने देख ली। अंदर में आपको रोडस्टर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एंड थैंक गॉड अब तक ना कोई बुरा प्रोडक्ट नहीं निकला, इसके लिए मुझे वो रोस्टिंग करना पड़े। बाकी पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। आई एम जस्ट अ प्रोडक्ट रेफरेंस की, पहन के आप कैसे लगोगे या फिटिंग कैसे आएगी, लुक वाइज आप मेरे से ज्यादा ही अच्छा लगने वाले हो। बहुत ही कम इंटरनेट पे स्वेटर्स के हॉल है, लेकिन हम आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो लाते हैं, और एक एक्सक्लूसिव वीडियो आएगी कल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय। जय हिंद, पेश बू।